इस हफ्ते कौन सी है वो खबरें जिसने बटोरी सबसे ज्यादा सुर्खियाँ? किस खबर ने दर्शकों को किया हैरान? चलिए जानते हैं हमारे वीकली सेगमेंट टेलीव्रैप में। टीवी के कई स्टार्स लगातार कोरोना के चपेट में आ रहे हैं, वहीं टेलीवर्ल्ड के तीन बड़े स्टार्स भी इस बीमारी के चपेट में आए। जी हां, हम बात कर रहे हैं कुशाल टंडन, रश्मि देसाई और नेहा भसीन की, जिनका हाल ही में कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आया। हालांकि अब तीनों की तबीयत पहले से काफी बेहतर है। शोएब इब्राहिम की बहन सबा ने अपने व्लॉग्स के जरिए हिजाब पहनने की वजह बताई और कहा कि कोविड के वक्त उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि उन्हें अपने आप को बदलना नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने उनकी हिफाजत की है और तभी से उन्होंने हमेशा से हिजाब पहनने का फैसला किया। निशा और उसके कजिन्स फेम एक्टर विभू राघवे कैंसर के फोर्थ स्टेज से गुजर रहे हैं। इसकी जानकारी खुद एक्टर ने अपने इंस्टाग्राम के माध्यम से दी। डालिए उनके वीडियो पर एक नजर। They found stage 4 cancer in me, which is in an advanced state, which is a rare type and kind of aggressive. I never expected that, and you know, in a day life changed totally upside down. करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश टेलीविजन के वन ऑफ द क्यूटेस्ट कपल्स में से एक हैं, और हाल ही में एक्ट्रेस तेजस्वी ने बताया कि करण ने उन पर आरोप लगाया कि उनकी वजह से उनके करियर की धज्जियां उड़ गई है, क्योंकि अब करण बेबी टॉक्स करने लगे हैं, जबकि उनकी इंडस्ट्री में पर्सनालिटी एंग्री यंग मैन की है। श्रद्धा आर्या ने हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि पिछले 3 दिन से उनकी पति से लड़ाई चल रही है। श्रद्धा ने चुपके से अपने हस्बैंड का भी वीडियो कैप्चर किया। एक्ट्रेस ने वीडियो पर कैप्शन भी दिया, उन्होंने और उनके पति ने फैसला किया था कि नाराज होकर वो दोनों कभी बेड पर नहीं जाएंगे। हाल ही में शहनाज शिल्पा शेट्टी के साथ एक शूट के लिए स्पॉट हुई, जहां वो काफी ग्लैमरस तो दिख रही थी, लेकिन उनके चेहरे से हंसी गायब दिखी। ये वीडियो देखने के बाद फैंस को भी शहनाज की चिंता होने लगी। डालिए इस वीडियो पर एक नजर। वहाँ से पीछे चढ़ जाइए सब। शिल्पा जी राइट से, लेफ्ट से, लेफ्ट से। शिल्पा मैम एक स्टेप प्लीज थोड़ा सा ज्यादा पैर छू जाता है। रेडी मैम, या शिल्पा जी लेफ्ट से, शिल्पा जी बोथ ऑफ यू या तेरा जी लेफ्ट में। शिल्पा मैम सेंटर प्लीज, सेंटर मैम, मैम शिल्पा जी नाउ यू प्लीज। शिल्पा मैम, शिल्पा मैम बोथ ऑफ यू लेफ्ट। मैम 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 तेरा जी आ देखा नहीं है। शिल्पा जी वेट वेट वेट, शिल्पा मैम इधर, शिल्पा जी आ यार, मैम सिंगल सिंगल, मैम सोलो 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 सिंगल। पहले शहनाज जी का करिए। मुनमुन दत्ता के खिलाफ हरियाणा के हांसी में मामला दर्ज हुआ। इस मामले को लेकर हाल ही में ऐसी अफवाह उड़ी कि मुनमुन को हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया और उनसे लगभग 4 घंटे तक पूछताछ हुई। हालांकि बाद में मुनमुन ने यह साफ किया कि वो वहां सिर्फ इंटरोगेशन के लिए गई थी और उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। हाल ही में राखी सावंत स्पॉट हुई, जहां वो एक फैन पर गुस्सा हो गई। वेल क्यू, देखिए इस वीडियो में। कल आई थी ना, तुम रोज आती हो क्या? मैं आज कल के दिन ही माफ देने वाली थी, लेकिन मिले ने आप मुझे मैडम इसलिए मैं आज आई। ये क्या है? मैंने इसमें कुछ गाना गाओ। बहुत ज्यादा बड़ा हो गया अभी। अरे आप लोग की वजह से लोग आते हैं, इनको मीडिया में दिख। नहीं मैडम, आप तो बहुत बड़ी फैन हैं, इनकी वजह से नहीं आई मैडम। तो आप कैमरा देख के आ जाती हो गाना लेके, इसका क्या मतलब? मैं कोई म्यूजिक डायरेक्टर थोड़ी हूँ। मुझे ना सलमान भाई सर को देने का। सलमान, तुम्हें सलमान खान हो क्या? मैं उनकी बहन हूँ। एकता कपूर ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया, जहां उन्होंने तेजस्वी को नागिन चुनने की वजह बताई। एकता ने कहा कि उनके पास ऐसी कोई पावर नहीं है जिससे वो चैनल को कहे कि उन्हें यही एक्ट्रेस चाहिए एज नागिन।
एकता ने कहा कि तेजस्वी की आंखों में उन्हें कोई बात लगी और पहली नजर में ही उन्हें तेजस्वी पसंद आ गई। हाल ही में गुम है किसी के प्यार में फेम एक्ट्रेस किशोरी शाहनी की कार ट्रक से टकरा गई। इसकी जानकारी एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया के जरिए दी। एक्ट्रेस ने बताया कि यह हादसा मुंबई लौटते वक्त हुआ, लेकिन शुक्र है कि गाड़ी में बैठे सभी लोग सेफ हैं। वेल, क्या कहना है आपका इन खबरों को लेकर, बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। एंड ऑल्सो डू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू टेली मसाला ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब।